जब भी हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, फिर हम जाते हैं किसी के पास, किसी वाइज पर्सन के पास, और जाकर पूछते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, और फिर पता चलता है कि वो बोल रहे हैं कि पितृ दोष है, और फिर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और वो कहते हैं पूजा करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, और उसके बाद में भी प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पितृ दोष इज़। पितृदोष इज़ समथिंग कि एक पूजा करने से, पंडित जी के पूजा करवाने से वो खत्म नहीं होगा, ये आपको मन से करना होगा, राइट? आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए करना होता है। ये पितृदोष तब होता है जब कोई, यू नो, आप कहेंगे कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने अपने किसी बुज़ुर्ग को कभी हर्ट नहीं किया, हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, वैल्यू करता हूँ, लव करता हूँ, लेकिन पुरानी किसी जनरेशन से कोई मिस्टेक हो गई, आपके बड़े जो हैं एंसेस्टर्स, बुज़ुर्ग जो थे, वो उनकी उनको हर्ट हो गया या कुछ भी इस तरह से, उसके जो जो भी एक्सपीरियंस है, उनका जो भी ब्लेसिंग्स का, अगर देने का है कि ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से पास्ट जनरेशन्स में कहीं कोई मिस्टेक्स हुई हैं। नाउ यू नीड टू करेक्ट इट, राइट? आपको नहीं पता है तब भी करेक्ट करना है, बिकॉज़ यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके फाइन, आपको करना क्या है, सॉरी तो बोलना है ना, मन से सॉरी बोलना है कि किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी से कोई भी गलती हुई, आप माफ़ कीजिए, बिकॉज इट्स ऑल यूनिवर्स की एनर्जी, राइट? एंसेस्टर्स या हमारे आने वाले जनरेशन्स, वी ऑल आर अ सोल ग्रुप, करेक्ट? एंड अगर किसी को पीछे कुछ हर्ट हुआ, कोई मिस्टेक हुई, तो उसको हमें करेक्ट करना है करेंट जनरेशन को, राइट? प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं पितृदोष में? कुछ भी, लाइफ स्मूथ नहीं चलती है, फैमिली में इतनी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, कभी फाइनेंसेस ख़राब, कर्ज में डूबे हुए हैं, शादी नहीं हो रही बच्चों की, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की अगर शादी हो गई है तो उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर अगर उनकी वेडिंग्स हो गई हैं तो वेडिंग्स अच्छे से नहीं चल रही हैं, फ्रूटफुल रिलेशंस नहीं हैं, लव रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, घर बन गया है तो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कभी कुछ मेंटेनेंस चलती जा रही है, एनीथिंग, जॉब करते हैं जॉब में प्रमोशन नहीं आती, बिजनेस करते हैं बिजनेस नहीं चलता, लॉसेस हो जाते हैं, एवरीवेयर यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड, दैट इज पितृदोष, नथिंग एल्स। कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि पूजा करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, एवरी टाइम। एक तो देखिए, आप घर के बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, सेकेंडली आपके जो पीछे के जेनरेशन जो अब नहीं हैं इस वर्ल्ड में, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जिनको भी आप जानते हैं या जिनका आपने नाम सुना है, जिनकी आपके पास पिक्चर्स हैं, उनको वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वॉल पे, घर के साउथ वॉल पे उनको प्लेस दीजिए, राइट? एंड उसके साथ में एवरी अमावस्या पे, एवरी मंथ की जो अमावस्या आती है उस पे उनके लिए पूजा करवाइए। पूजा करवाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा हवन या कुछ इस तरह से करवाना है, आप कुछ भी घर में बनाइए, खाना बनाइए उनके पसंद का, नहीं तो अपनी श्रद्धा से, और किसी भी गरीब को, किसी बुज़ुर्ग गरीब को दे दीजिए या मंदिर में जाकर देकर आइए, पर उनके नाम से देंगे, उनका सोच कर देंगे कि हमने उनके लिए ये दिया, एक तो ये चीज़ करेंगे। और उसके साथ में जब भी पूरे साल में श्राद्ध पक्ष आता है, पितृपक्ष इसे कहते हैं, उन डेज में भी यदि आपको नहीं पता उनकी क्या श्राद्ध की तिथि है, सो अमावस्या का जो श्राद्ध होता है, जो पूरा एक पूर्णतया श्राद्ध मानते हैं, उस दिन आप सभी बुज़ुर्गों के लिए, सभी एंसेस्टर्स के लिए पूजा करवाइए, तर्पण करवाइए, ये आप ज़रूर कीजिए। और उसके साथ में आप इसको मन से आपको करना है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ अमावस्या पे और श्राद्ध पक्ष में मुझे पूजा करवानी है, सो इट्स नॉट लाइक दैट। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, सो डेफिनेटली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिसिंग हैं। सो अगर आपने अभी तक ये सब कुछ नहीं किया है या ये सब कुछ का लॉजिक नहीं समझा है, सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड स्मूदन योर लाइव्स, क्योंकि बड़ों की ब्लेसिंग्स के बिना आई थिंक वी आर नॉट एबल टू ग्रो। हम अपनी मेहनत ज़रूर करते हैं और ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं, सो वो एक बोनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है, राइट? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट।